आंटी क्या हुआ बेटा? ये ऑफिशियल लेटर है, मिस्टर कपूर ने गलती से मुझे देने के बजाय सोनिया को दे दिया। ओह अच्छा, ये वो मिस्टर कपूर हैं जो हर चीज भूल जाते हैं। मुझे बताया अमर धरा ने इनके बारे में, भाई कैरेक्टर है। सॉरी बेटा, ये हाँ, लेकिन कभी कभी उनकी वजह से बहुत गड़बड़ भी हो जाती है। I can imagine. Thanks, आंटी। Thank God, आंटी ने लेटर पढ़ा नहीं। कितना बुरा लगता उन्हें। मैंने बहुत बड़ी गलती की ये लेटर लिखकर। मुझे खुद बात करनी होगी अंबर से। अगर मैंने उसे अभी बात नहीं की तो वो हमेशा यही सोचेगी कि मैंने उसे धोखा दिया है। मुझे उसे सच्चाई बतानी ही होगी। सुनो, तुमने अंबर दरा को कहीं देखा है? जी शायद वो अपने कमरे में। ठीक है, तुम जाओ। Excuse me. मामी जी, बोलो बेटे। देखिए ना मामी जी, कितनी गहरी दोस्ती है इनकी। इतना सब कुछ हो गया लेकिन इनकी दोस्ती पर अब भी कोई आंच नहीं आई। तुम परेशान मत हो सोनिया, ये दोस्ती चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसके सामने मैं तुम्हारे और अक्षत के रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। और मेरे होते हुए ये दोनों लड़कियां अब कोई नया तमाशा नहीं खड़ा कर पाएंगी। तुम रुको, मैं आती हूँ। लता, अरे कामिनी, हो गया हिसाब, रख लो। थैंक यू। अच्छा, अंबर धरा से कहना कि सोनिया ने उनके लिए जो कपड़े बनवाए हैं, आज शाम की पार्टी में वही कपड़े पहनेंगी। दोनों बहुत प्यारे लगेंगे। राजू। यस मैम। सोनिया मैम के डिजाइनर ने जो अंबर धरा के लिए कपड़े बनवाए हैं वो उनके कमरे में पहुंचा दो। अच्छा मैम। कामिनी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तुम तो मेरी बच्चियों के लिए वो सब कर रही हो जो आजकल लोग अपनों के लिए भी नहीं करते। कैसी बातें कर रही हो लता, तुमने इतने मेहनत से उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, कम से कम तुम्हारी खातिर हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब बातें बहुत हो गई, जाओ जल्दी जाओ, उनको तैयार करो शाम के लिए, जाओ। थैंक्स। क्या पहनूं? सच आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इतनी खुश तो मैं तब भी नहीं थी जब मुझे कॉलेज में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला था। बता ना डी, क्या पहनूं मैं? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है।
जाकर भी मैं मुट्ठी बंद नहीं कर सकती। लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि अपनी तकलीफ कम करने के लिए मैं माँ को दुख नहीं दे सकती। प्यार मैंने किया है दी, इसलिए ये दर्द सिर्फ मुझे सहना होगा, मुझे। किसी ने सच्ची कहा है, प्यार इंसान की रूह को खूबसूरत बना देता है। मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, कुछ काम है? अंबर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा अक्षत। और फिर इस वक्त तुम्हें नीचे होना चाहिए, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज अंबर, मैं आखिरी बार तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, एक बार तो मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो। अंबर धारा, ये लो। मां, अरे खड़े होके बातें क्या कर रहे हो? तैयार नहीं हो ना, नीचे मेहमान आने लगे हैं। अक्षत, तुम्हारी सगाई है बेटा, तुम्हें तैयार नहीं हो ना? वो आंटी। माँ, वो अक्षत, वो क्या बेटा? I mean, मैं भी इन्हें यही कहने आया था कि नीचे सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं आ गई हूँ, मैं संभालूंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम तैयार हो जाओ, नीचे सोनिया अकेली है बेटा। जी आंटी। ये कपड़े सोनिया ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, देखिए तो इस लड़की ने बनाया क्या है तुम्हारे लिए। कहाँ खो गई बेटा? अंबर, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही थी सोनिया कितनी अच्छी है ना, कितना ध्यान रखती है हमारा। ये तो सच है, बहुत नेक लड़की है। ओह, और ये देखो कितने अच्छे कपड़े बनवाए हैं। अरे बहुत प्यारी लगोगी तुम तो इसमें। बहुत सुंदर लगोगी तुम दोनों इसमें, है ना? अंबर, हाँ? धरा, पसंद नहीं आया क्या ये? ये दोनों कपड़े तो एक जैसे हैं। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। बहुत प्यारी लगोगी, बचपन में भी तो ऐसे ही पहनती थी ना।
लेकिन माँ अब हम बच्चे नहीं हैं। फिर आपने तो हमेशा हमारे लिए अलग अलग कपड़े बनाए, हम सगाई में ये कपड़े पहन के कैसे जाएंगे माँ? माँ हम ये नहीं पहन सकते हैं। क्यों नहीं पहन सकते? दोनों एक जैसे हैं इसीलिए। माना कि अगर अलग होते तो बेहतर होता, लेकिन बेटा सोनिया को कैसे मालूम कि तुम दोनों की पसंद क्या है? माँ बात वो नहीं है। तो क्या बात है बेटा? अलग अलग कपड़े पहनने से सच्चाई नहीं छिप जाएगी। याद है तुम दोनों को, जब तुम पहली बार स्कूल गई थी, सारे बच्चे किस तरह हंस रहे थे तुम पर। याद है तुम दोनों ने एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा भी। पीछे नहीं हटी। तुम दोनों ने अपनी जगह खुद बनाई। क्या हुआ अगर आज यहां लोग तुम पर हंसते भी हैं तो? क्या हुआ? तुम दोनों पीछे नहीं हटोगी। अपनी जिंदगी के सच का सामना करना सीखना पड़ेगा। मान लो मेरी बात। देखिए तो तुम लोग तैयार हो, मैं भी चेंज करके आती हूं। देखा सानिया को, कितनी प्यारी लग रही है ना। मेरी बहू से ज्यादा सुंदर यहाँ पर कोई है क्या? नहीं ना? नहीं। कितनी अच्छी लग रही है ना आंटी, ये एक होकर भी हमेशा अलग कपड़े पहनती है, इसलिए मैं चाहती थी कि आज ये एक से कपड़े पहने। अच्छा आइडिया है ना? हाँ बेटा, वाकई तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और तुम्हारा मन भी, जो तुमने मेरी अंबरधरा के बारे में इतना सोचा,
थैंक्स आंटी. सच इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्चियाँ, बिल्कुल परी जैसी है ना? जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. आज ये दोनों वाकई बहुत खूबसूरत लगे. लेकिन अंबर, अंबर तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है. इसके चेहरे की रौनक देखकर लोग तो यही समझेंगे कि सगाई मेरी नहीं बल्कि इसकी हो रही है. यू नो अंबर, आई एम रियली जेलस. क्यों परेशान कर रही हो मेरी बच्चियों को सोनिया? तुम्हें पता है ना अंबर इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? क्योंकि धरा उसके साथ है. इन दोनों का साथ होना ही इनकी खूबसूरती का राज है ना? बिल्कुल आंटी, आज तो ये दोनों कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है. आखिर इनके बेस्ट फ्रेंड्स की सगाई जो है. लेकिन आंटी, ये खुशी इनके गाने के बगैर अधूरी है. इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस खुशी के मौके पर इन दोनों का एक गाना हो जाए. नहीं, आज नहीं. नहीं बेटा, सोनिया इतने प्यार से पूछ रही है, आज तो गाना पड़ेगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस पार्टी में अक्षत की बेस्ट फ्रेंड्स अंबर एंड ऑफ कोर्स धरा अपनी स्टाइल में अक्षत को विश करना चाहती है. तो देखते हैं कि इनका स्टाइल क्या है और कैसा है. राइट, कम ऑन अंबर धरा. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.